गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक क्लास, क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 14.3 की जो आपका चैप्टर है वो ग्राफिकल बेस पे है, तो जिसका आज हम ग्राफ करेंगे, बार ग्राफ। तो पहले देख लेते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। कि बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि डाटा को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बार की जो विड्थ वगैरह होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। इक्वल स्पेस होती है ऑन वन एक्स एक्सिस साइड पे और ऑन अदर एक वाई एक्सिस वाली साइड पे, ठीक है। हमारे पास ग्राफ में क्या होंगे, दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस वाली साइड पे और वाई एक्सिस वाली साइड पे। जो बार्स की जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, डिपेंड करती है कि वेरिएबल की कितनी उसकी मेजरमेंट्स हमको दी हुई है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, y एक्सिस और एज वेल एज x एक्सिस ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने जब भी इसको ड्रॉ करना है तो जो मेरे को ये कॉन्स्टेंट से दिए हैं, ये जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में मेरे को वर्ड्स दिए हैं वो यहाँ पे लिखूंगी, और जो इसकी क्वांटिटीज दी है वो मैं इसमें लिखूंगी। तो पहले सम नंबर वन देखो क्या कहते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमन बिटवीन एज 15 टू 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। कहते हैं कि हम एक सर्वे कंडक्ट किया गया किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसमें औरतों में होने वाली बीमारियां और मौतों का कारण बताया गया। 15 से 44 की जो एज की लेडीज थी वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में, उसका ही आपको क्या दिया हुआ, डेटा दिए। जैसे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के कारण जितनी लेडीज़ की या तो डेथ हुई या तो वो बीमार हुई वो 31.8% है। नर्वस सिस्टम के कारण जिनकी हुई वो 25.4 है। इंजरीज़ के कारण 12.4, कार्डियो कंडीशंस के कारण 4.3 एंड रेस्पिरेटरी के कारण 4.1 एंड अदर 22.0। तो हम क्या करेंगे, जो कॉजेज है यहाँ पर लिखेंगे और जो इसकी क्वान्टिटीज दी है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इसका सबसे छोटा नंबर देखना होता है डेटा का, वो क्या है, जैसे ये 4.1 एंड देन सबसे लास्ट में हमने देखना है सबसे बड़ा क्या है ये। अब हम क्या करेंगे, छोटा जैसे 4.1 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस जो आगे लेंगे वो इक्वल लेंगे। जैसे मैंने 5-5 का डिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे 4.1 आप इसमें 5 को प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 9.1, फिर 9.1 प्लस 5 आ जाएगा आपके पास 14.1, इसी तरह 5 करोगे 19.1, फिर 19 में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24.1, 5 फिर प्लस करोगे 29.1 और लास्ट ये आपका जाएगा 5 पे करोगे 34.1, जो 31.8 को कवर कर लेगा। अब इसके कॉजेज लिख देते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स, इंजरीज, कार्डियो कंडीशन, रेस्पिरेटरी एंड देन लास्ट पे अदर्स। फिर हमें देखेंगे कि जैसे उसने रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स की 31.8 है तो वो 29.1 एंड 34.1 के बीच में लाइज करेगा, तो रेस्पिरेटरी से लाइन स्टार्ट करनी है और इसके सेंटर में इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद उसने नर्वस सिस्टम के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उसने दी है 25.4, तो वो 25.4 किसके बीच में आएगा, 24.1 और 29.1 के बीच में, तो वो ग्राफ बना लोगे आप। फिर इसी तरह इंजरीज 12.4, वो 9.1 और 14.1 के बीच में आ जाएगा आपका। इसी तरह कार्डियो कंडीशन वो 4.3, वो आ जाएगा 4.1 एंड 9.1 के बीच में यहाँ पे, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम 4.1 के सामने, अदर 22.0, 19.1 एंड 24.1 के सेंटर में आएगा। तो इस तरह से ये मेरा जो बना ये क्या हुआ, बार ग्राफ हुआ। तो इसमें उसने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं, पहला उसने बोला था कि इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, वो हमने कर दिया। सेकेंड में वो बोल रहा है कि विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कि इस बार ग्राफ को देखो और बताओ कि कौन सा मेजर कॉज है, कौन सा सबसे बड़ा कारण है औरतों में बीमारी का और उसकी डेथ का। तो सबसे बड़ा कारण खुद ही पता लग रहा है, सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो किसके कारण हो रहा है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम के कारण। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट में, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम।
अब इसका सम नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। कहता है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इन गिवन बिलो। कि कहता है कि हमें सेकंड सम में पर 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या दी गई है डिफरेंट सेक्शन अलग अलग सेक्शंस में इंडिया सोसाइटी में। तो उसका डाटा हमें इस तरह से दिया हुआ है। नंबर ऑफ गर्ल्स सेक्शंस दिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिबल, नॉन शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन, कि इन सेक्शंस में कितनी कितनी गर्ल्स हैं। शेड्यूल कास्ट में 940, एसटी में 970, नॉन एससी में 920, बीडी में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल में 930 एंड अर्बन में 910। अब इसको उसने क्या बोला है कि इसका रिप्रेजेंट करो इंफॉर्मेशन को अबव बाय द ग्राफ, कि आप इसको ग्राफ के थ्रू में क्या करो, रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो अब उसने पहले पार्ट में इसको बोला है कि इसका रिप्रेजेंट करो बार ग्राफ में। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप वाई एक्सिस लेंगे, देन एक्स एक्सिस लेंगे, फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर देखेंगे कहाँ पे जा रहा है हमारा 910 से, और सबसे लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर जा रहा है 970 से, मतलब 900 से स्टार्ट करेंगे, 10 का डिस्टेंस ले लेंगे, 910, 920, 930, 940, 950, 960 और 970। अब यहाँ पे तो क्वांटिटी लिख दी और यहाँ पे सेक्शन लिख देंगे, जैसे एससी, एसटी, नॉन एससी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल और अर्बन। अब एससी की कितनी क्वांटिटी दी है 940, तो एससी से लेंगे 940 पे छोड़ देंगे, फिर इसी तरह एसटी में 970 दी है तो एसटी पे लेंगे 970, इसी तरह नॉन एससी दी है 920 तो वो नॉन एससी पे आ जाएगा आपके पास 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा 950 और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा 920, रूलर में आएगा 930, 930 के सामने ले जाओगे और अर्बन में आ जाएगा आपके पास 910, ये 910। तो ये आपका क्या हो गया, बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होगी। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, ये आपकी जो डाटा दिए इसकी बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होगी। इन द क्लास रूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन अराइव एट द फ्रॉम ग्राफ, किस ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं पर 1000 बॉय के पीछे वो एसटी सेक्शन में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका सम नंबर 3 करेंगे। सम नंबर 3 में क्या कहता है, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। कहते हैं हमें थर्ड सम में क्या दिया गया है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी अलग अलग जो क्या कहते हैं पोलिंग में जीती, उनका मेरे को क्या दिया गया, डाटा दिया गया है थर्ड सम में कि जो पॉलिटिशियंस पार्टी पोलिंग सिस्टम में जीती, तो उनका डाटा मेरे को इस तरह से दिया है, पॉलिटिशियन पार्टी सीट वॉन, तो पार्टीज मेरे को अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिए ए बी सी डी ई और एफ, 6 मेरे को पॉलिटिशियंस ने पार्टी दी है और कितनी वो नंबर्स ऑफ सीट जीते हैं, ए जीती है 75, बी जीते 55, सी जीते 37, डी 29, 10 एंड 37।
7। अब इसने भी इसमें क्या कहा कि इसको बार ग्राफ के रूप बार ग्राफ के फॉर्म में आप इसको क्या करो रिप्रेजेंट, तो वही सेम हम क्या करेंगे, पहले लेंगे यहाँ पे y एक्सिस एज वेल एज x एक्सिस। अब इसका सबसे छोटा नंबर देखेंगे वो जा रहा है 10 पे और सबसे बड़ा जा रहा है 75 पे, तो हम क्या करेंगे इसका नंबर्स लेंगे 0, सबसे छोटा 10 से 10 का डिफरेंस लेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक इसलिए लिया क्योंकि 70 और 80 के बीच में 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्टीशंस में पार्टी लिख देंगे ए बी सी डी ई और एफ। अब ए को कितने मिली है 75, 70 और 80 के बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास 75। फिर उसके बाद बी को कितनी मिली है 55, 50 और 60 के बीच में आ जाएगा। सी को कितनी मिली है 37 आ जाएगा 30 और 40 के बीच में। डी को मिली है 29, वो आ जाएगा 20 और 30 के बीच में। इसी तरह ई को मिली है 10, तो 10 के सामने आ जाएगा ई का। एफ को मिली है 37 सीट्स, वो 30 और 40 के बीच में आएगा। तो ये इसकी हो गई क्या कहते हैं बार ग्राफ की फॉर्म, इसकी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। देखो कि किस कहता है पार्टी ने सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ सीट्स वॉन किए, तो वो डाटा को देखने से पता लग रहा है ए ने किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।